जेनिथ ट्यूटोरियल्स प्रस्तुत करता है आईएससी कक्षा 11वीं एवं 12वीं की पाठ्य पुस्तक आषाढ़ का एक दिन का अंक 3 का आखिरी भाग यानी कि पार्ट 3। यह इस नॉवेल का आखिरी भाग है यानी कि लास्ट वीडियो है, तो आप इसे ध्यान से देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। विलोम, भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में, खाई यानी डिच, तो डिच में। तो विलोम यहाँ अपने आप से बात कर रहा है कि भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम, बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे। पहले आए तो द्वार बंद यानी दरवाजा बंद, लौट कर गए और फिसल गए। फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता। आज का दिन ही ऐसा है कि कालिदास को देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। दृष्टि का भाव ऐसा हो जाता है जैसे किसी बहुत सूक्ष्म का अध्ययन कर रहा हो। सूक्ष्म यानी बहुत बारीक चीज, अध्ययन यानी स्टडी। तो जब वो बोलते बोलते रुक जाता है तो उसकी दृष्टि ऐसे हो जाती है जैसे कि वो कोई बहुत ही बारीक चीज को स्टडी कर रहा हो। न जाने आंखों को क्या हो गया है, कभी अपरिचित यानी अनफेमिलियर आकृतियां यानी शेप बहुत परिचित यानी फेमिलियर जान पड़ती है, और कभी परिचित आकृतियां भी परिचित नहीं लगती। अब यह इतनी परिचित आकृति है और मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु या भाई, बंधु का अर्थ है भाई, क्यों भाई तुम मुझे पहचानते हो। मल्लिका अंदर से आती है और विलोम को देखकर द्वार के पास जड़ हो जाती है यानी डेड जैसी हो जाती है, एकदम स्टेबल। कालिदास, आकृति बहुत बदल गई है परंतु व्यक्ति आज भी वही है। विलोम, स्वर भी परिचित है और शब्द भी। आंखें स्थिर यानी स्टेबल करके देखने का प्रयत्न यानी कोशिश करता है, फिर सहसा यानी अचानक हंस उठता है। तो तुम हो, तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट यानी तकलीफ दूर हो गए। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। लालसा का अर्थ है इच्छा या लॉन्गिंग या डिजायर। आओ, उसकी ओर बाहें बढ़ाता है यानी आर्म्स बढ़ाता है, परंतु कालिदास उसके सामने से हट जाता है। गले नहीं मिलोगे, मेरा शरीर मैला है इसीलिए, या मुझी से घृणा है यानी नफरत है। परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, नहीं कहा था। मैंने इन वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया यानी डिफरेंस नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूं कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। मल्लिका की ओर मुड़ता है। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता। तुम वहां स्तंभित से क्यों खड़ी हो। विलोम इस घर में अब तो अयाचित यानी बिन मांगा या अनडिजायर्ड अतिथि यानी मेहमान। तो विलोम इस घर में अब तो अयाचित अतिथि नहीं है, अब तो वह अधिकार से आता है, अधिकार यानी हक, हक से आता है। अब तो वह इस घर में कालिदास का स्वागत यानी वेलकम और आतिथ्य यानी मेहमानदारी कर सकता है, नहीं। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। कहोगे कितनी आकस्मिक बात है, आकस्मिक यानी अचानक होने वाली या एक्सीडेंटल बात है, कि तब भी मुझसे इसी घर में भेंट यानी मुलाकात हुई थी और आज भी यही हुई है। परंतु सच मानो, यह आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती। मल्लिका की ओर मुड़ता है। तुमने अब तक कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया। उपक्रम का अर्थ है तैयारी, तो अभी तक तुमने तैयारी नहीं की। वर्षों के बाद एक अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य ना हो, जानती हो कालिदास को इस प्रदेश में हरिन शावकों का कितना मोह है। हरिन शावक मतलब हिरन के बच्चे, और मोह यानी बहुत प्यार है। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। एक हरिन शावक इस घर में भी है, तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा। उसकी आंखें किसी हरिन शावक से कम सुंदर नहीं है, और जानते हो अष्टावक्र, अष्टावक्र कौन है, एक प्रसिद्ध ऋषि है जिनके 8 अंग टेढ़े थे। तो जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है, कहता है। मल्लिका सहसा आगे बढ़ जाती है। मल्लिका, अरे विलोम। विलोम हंसता है। विलोम, तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है। परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था कि संभव है यानी पॉसिबल है कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टावक्र की बात कहां तक सच है।
क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या? मल्लिका हाथों में मुंह छुपाए आसन पर जा बैठती है। विलोम कालिदास के पास चला जाता है। चलो देखोगे? कालिदास, यहां से चले जाओ विलोम। विलोम, चला जाऊं? हंसता है। इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही, ग्राम प्रांतर यानी पूरे गांव से, गांव के एरिया से ही। सुना है शासन बहुत बली होता है, शासन यानी सरकारी हुक्म बहुत बली यानी पावरफुल होता है, प्रभुता यानी लॉर्डशिप में बहुत सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ या एबिलिटी। कालिदास, मैं कह रहा हूं इस समय यहां से चले जाओ। विलोम, क्योंकि तुम यहां लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, प्रतीत यानी अपेरेंट होने लगी है, ज्ञात होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है, शाश्वत यानी जो सदा रहते हैं, कभी नहीं खत्म होते, कभी नहीं मिटते हैं। हंसता है। जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं, गति यानी स्पीड ही नहीं, तुम ही तुम हो और कोई नहीं, परंतु समय निर्दय नहीं है, निर्दय मतलब दयाहीन नहीं है या कठोर, दयाहीन का अर्थ है कठोर, परंतु समय निर्दय यानी दयाहीन नहीं है, और उसने औरों को भी सत्ता दी है यानी अथॉरिटी दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य, नैवेद्य मतलब भोग के लिए घर की दहली पर रुका नहीं रहा, उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है, निर्माण यानी कंस्ट्रक्ट किया है, तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, वितृष्णा यानी वह मन की वृत्ति, वह मनोवृत्ति जो किसी को बहुत बुरा समझकर सदा उससे दूर रहने की प्रेरणा देती है, मतलब रिपल्शन, वितृष्णा मतलब रिपल्शन या हेट्रेड, तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहां अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे। कई क्षण यानी पल उसकी ओर देखता रहता है, फिर हंसता है। तुम चाहते हो इस समय मैं यहां से चला जाऊं, मैं चला जाता हूं, इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहां अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। द्वार की ओर चल देता है। द्वार के पास रुककर मल्लिका की ओर देखता है। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी ना रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है वह आगे जाने कभी आएगा या नहीं? अर्थपूर्ण दृष्टि से दोनों की ओर देखता है और चला जाता है। मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर कालिदास की ओर देखती है। कुछ क्षण दोनों चुप रहते हैं। मल्लिका, क्या सोच रहे हो? कालिदास झरोखे के पास चला जाता है। कालिदास, सोच रहा हूं कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसे ही घाटी यानी वैली में मेघ यानी बादल भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था, असमय मतलब अनटाइमली अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत यानी घायल हरिन शावक को देखा था और उठाकर यहां ले आया था, तुमने उसका उपचार यानी ट्रीटमेंट किया था। मल्लिका उठकर उसके पास चली जाती है। मल्लिका, और भी तो कुछ सोच रहे हो? कालिदास, और सोच रहा हूं कि उपत्यकाओं यानी वैलीज का विस्तार यानी फैलाव वही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है, वायु में वैसी ही नमी यानी मॉइस्चर है, वातावरण यानी एटमॉस्फेयर की ध्वनियां भी वैसी ही है। मल्लिका, और? कालिदास, और कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, चेतना यानी कॉन्शियसनेस है जिसमें हम कांपते हैं, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है यानी गुस्सा जागता है, परंतु? मल्लिका चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। कालिदास वहां से हटकर आसन के पास आ जाता है और वहां से ग्रंथ उठा लेता है। परंतु यह कोरे पुष्टों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका, तुम कह रहे थे कि तुम फिर अत से आरंभ करना चाहते हो। अत यानी आरंभ तथा मंगल सूचक शब्द जो मंगल की सूचना देता है, अच्छा चीज होने की सूचना देता है। कालिदास निश्वास छोड़ता है। कालिदास, मैंने कहा था मैं अत से आरंभ करना चाहता हूं, यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था यानी इच्छा और समय के बीच का संघर्ष था, परंतु देख रहा हूं कि समय यानी टाइम अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि? मल्लिका, क्योंकि? फिर अंदर से बच्ची के रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका झट से अंदर चली जाती है। कालिदास ग्रंथ आसन पर रखता हुआ जैसे अपने को उत्तर देता है, मतलब अपने आप को ही आंसर दे रहा है वो अब। कालिदास, क्योंकि वह प्रतीक्षा यानी इंतजार नहीं करता। बिजली चमकती है और मेघ गर्जन यानी बादलों के गरजने की आवाज सुनाई देती है। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। वर्षा पड़ने लगती है।
वह झरोखे के पास आकर ग्रंथ को एक बार फिर उठाकर देखता है और रख देता है। फिर एक दृष्टि अंदर की ओर डालकर द्योढ़ी यानी दहलीज में चला जाता है। क्षण भर सोचता सा वहां रुका रहता है, फिर बाहर से दोनों किवाड़ मिला देता है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बढ़ जाता है। कुछ क्षणों के बाद मल्लिका बच्ची को वक्ष से सटाए यानी सीने से चिपकाए अंदर आती है और कालिदास को ना देखकर दौड़ती सी झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका, कालिदास! उसी तरह झरोखे के पास से आकर देवढ़ी के किवाड़ खोल देती है। कालिदास! पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, परंतु बच्ची को बाहों में देखकर जैसे वही जकड़ जाती है यानी फ्रीज हो जाती है। फिर टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है और बच्ची को और साथ सटाकर मतलब और नजदीक से चिपकाकर रोती हुई उसे चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। पर्दा गिरता है। तो इसी के साथ आषाढ़ का एक दिन इस नॉवल का समापन होता है और ये हमारी इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो है। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।